सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ होंगे। अभी एक और अहम खबर है जो अपने देखने वालों तक पहुंचाए। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। मुबैना ऑडियो से मालूम हुआ कि अपने मुखालिफिन के खिलाफ पीटीआई के गद्दारी के बयानिए के पीछे बुशरा बीबी का हाथ है। इस मुबैना ऑडियो में सुना जा सकता है कि बुशरा बीबी ने ही गद्दारी का बयानिया बनाने की हिदायत की। बुशरा बीबी ने यह भी हिदायत की कि फरा गोगी के गद्दारी के बयानिए में गड़मड़ कर दिया जाए। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी पीटीआई सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद को हिदायत करती सुनी जा सकती हैं। उन्होंने ये भी हिदायत की कि जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कैसी मुहिम चलाई जाए। बुशरा बीबी ने हिदायत की कि पीटीआई छोड़ने वालों को गद्दार कहा जाए। बुशरा बीबी ने कहा कि फरा के खिलाफ भी बहुत गंद डाला जाएगा। बुशरा बीबी ने कहा कि फरा के खिलाफ बातों पर भी गद्दारी के ट्रेंड चलाने हैं। इससे पहले पीटीआई रहनुमा कहते रहे हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि जराए बताते थे कि उस्मान बुज़दार और वजीर आजम आजाद कश्मीर कयूम न्याजी के इंतखाब के पीछे भी बुशरा बीबी का हाथ था। जहांगीर तरीन और जुल्फी बुखारी को हटाने के पीछे भी बुशरा बीबी का हाथ बताया जाता है। आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है, तो क्यों है बेटा आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। अच्छा जी, एक्चुअली कल ना अब मेरी बात जी, ये जैसे अलीम खान है ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है, इन्होंने इससे भी ज्यादा कान डालना है, वो जो मेरी सास वो बच्ची है फरा उसके अच्छा कान डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे, आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ये ट्रेंड है, ठीक है, ठीक है जी। ये जो अलीम खान है ये जो सब बोलेंगे ना ये सारी एक ट्रेंडिंग के तहत है, तो आप इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ अपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है, ठीक है, हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए और गद्दार बाहर की कुवत से भी हैं और सब वो सारा आपको पता है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये पता लग गया आज आपने ये रूस का उठाना है कि देखो उनको पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हो रही है और मुल्क के साथ हो रही है और ये उनका बयान देखे, इसको आप अपने में इसको आपने सोने नहीं देना इसको, ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। और ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क और खान के साथ गद्दारी हो गई है, देखिए आज उनके बयान आया जी। अच्छा इमरान, दूसरा मैंने आपको कहना था मुझे और जो वो फरा है ना उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है, उस पर भी आप उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। बिल्कुल जी, उसको इसी तरह करेंगे ना कि ये तो सारा इस वजह से ही कर रहे हैं क्योंकि अपने खुद गद्दार हैं और इस वजह से और इस तरह के इल्जाम उसको पकड़ना चाह रहे थे, उसको ये पकड़ना चाह रहे थे कि ये चक्कर क्या है कि खान सर जो हर चीजों से निकल रहे हैं और इनको चीजें पता कैसे होती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये समझ आपको, लेकिन ये सिर्फ आपको बता रही हूँ, इस इशू को आपने नहीं किसी को करना, लेकिन उसके पीछे इसलिए है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मुबैना ऑडियो से मालूम हुआ कि अपने मुखालिफिन के खिलाफ पीटीआई के गद्दारी के बयानिए के पीछे बुशरा बीबी का हाथ है। इस मुबैना ऑडियो में सुना जा सकता है कि बुशरा बीबी ने ही गद्दारी का बयानिया बनाने की हिदायत की। बुशरा बीबी ने ही ये भी हिदायत की कि फरा गोगी केस गद्दारी के बयानिए में गड़मड़ कर दिया जाए। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी पीटीआई सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद को हिदायत जारी करती सुनी जा सकती हैं। उन्होंने ये भी हिदायत की कि जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कैसी मुहिम चलाई जाए। बुशरा बीबी ने हिदायत की कि पीटीआई छोड़ने वालों को गद्दार कहा जाए। बुशरा बीबी ने कहा कि फरा के खिलाफ भी बहुत गंद डाला जाएगा। बुशरा बीबी ने कहा कि फरा के खिलाफ बातों पर भी गद्दारी के ट्रेंड चलाने हैं। इससे पहले पीटीआई रहनुमा कहते रहे हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि जराए बताते थे कि उस्मान बुज़दार और वजीर आजम आजाद कश्मीर कयूम न्याजी के इंतखाब के पीछे भी बुशरा बीबी का हाथ था। जहांगीर तरीन और जुल्फी बुखारी को हटाने के पीछे भी बुशरा बीबी का हाथ बताया जाता है। आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है, तो क्यों है बेटा आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। अच्छा जी, एक्चुअली कल ना अब मेरी बात जी, ये जैसे अलीम खान है ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है, इन्होंने इससे भी ज्यादा गंद डालना है, वो जो मेरी सास वो बच्ची है फरा उसके,
कितना कान डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे, आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ठीक है, ट्रेंड है, ठीक है, ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक ट्रेनिंग के तहत है, तो आप इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। आपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है, ठीक है, हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए, और गद्दार बाहर की कुवत से भी हैं और सब, वो सारा आपको पता है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये पता लग गया, आज आपने ये रूस का उठाना है कि देखो उनको पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हो रही है और मुल्क के साथ हो रही है, और ये उनका बयान देखें, इसको आप अपने में, इसको आपने सोने नहीं देना, इसको, ठीक है जी, बिल्कुल सही है, और ट्रेंड बना देना कि उनको भी पता है कि मुल्क और खान के साथ गद्दारी हो गई है। देखिए आज उनके बयान आया जी। अच्छा, हाँ, दूसरा मैंने आपको कहना था, मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है, उस पे भी आप, उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। बिल्कुल जी, उसको इसी तरह करेंगे ना कि ये तो सारा इस वजह से ही कर रहे हैं क्योंकि अपने खुद गद्दार हैं और इस वजह से, और इस तरह के इल्जाम उसको पकड़ना चाह रहे थे, उसको ये पकड़ना चाह रहे थे कि ये चक्कर क्या है कि खान सर जो हर चीज में से निकल रहे हैं और इनको चीजें पता कैसे होती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये समझ आपको, लेकिन ये सिर्फ आपको बता रही हूँ, इस इशू को आपने नहीं किसी को करना, लेकिन उसके पीछे इसलिए है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने